जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज दर्शकों, मैं उस टॉपिक पर बात करूंगा जो किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी और सबसे आखिरी इच्छा हो सकती है, और वो है सुख। हमें दर्शकों जीवन मिलता है तो हम सुख की कामना करते हैं, हम कर्म करते हैं तो सुख की कामना से करते हैं, हम पैसा कमाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि हमें जीवन में सुख मिले। अब ये सुख है क्या? आज की इस वीडियो में मैं सुख के बारे में आपको अपना व्यू पॉइंट नहीं देने वाला, मैं दर्शकों उस व्यू पॉइंट की बात आपसे करूंगा जो ऋषियों के मन में आई, कि ऋषियों ने जब सुख की परिकल्पना की होगी तो उन्होंने कैसे सोचा होगा कि किसी भी इंसान के जीवन में सुख कैसे मिले। जब सुख को हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं तो हमारे पास जो सिखाने के लिए कुंडली होती है वो होती है काल पुरुष कुंडली। अब काल पुरुष में या काल पुरुष कुंडली में ऋषियों ने सुख को हमारे चतुर्थ भाव यानी के फोर्थ हाउस के साथ एसोसिएट कर दिया, साथ ही में कर्क राशि के साथ एसोसिएट कर दिया। अब सुख को उन्होंने किससे जोड़ दिया? आप देखिए कि फोर्थ हाउस के स्वामी या कर्क राशि के स्वामी कौन है? वो है चंद्रमा, और चंद्रमा को हमारे एस्ट्रोलॉजी शास्त्र में मन बोला गया है। तो सुख मन का सब्जेक्ट है। हम जीवन में जो भी करते हैं, चाहे ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे धन अर्जित करते हैं, चाहे कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मन खुश हो जाए, तो इन सबके पीछे जो आखिरी जो बैक ऑफ द माइंड बात बैठी होती है कि हम ये जो कर रहे हैं इससे हमें सुख मिले। तो दर्शकों, ऋषियों ने जब सुख को मन के साथ जोड़ दिया, अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि मन हमेशा बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। साइमल्टेनियसली जब बाहरी दुनिया हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर मन की जो ट्रेवल है वो अंदर की तरफ आना शुरू होता है, फिर मन अपने अंदर की चीजों को एक्सप्लोर करने लगता है। यानी कि मन का काम है बाहरी और अंदर की दुनिया दोनों को देखना समझना। हम ये समझ सकते हैं कि इसको करने से हमें सुख मिलेगा, मगर अब मन कैसे सोचे, मन की इच्छा क्या है और मन को मिलेगा क्या? हम कहते हैं ना कि हम जो मर्जी सोच लें, अगर मिलना जो है वो ही हमें मिलना है। अब इसी इच्छा और जो हमें मिलने वाला है, यानी कि एक है जो हमारी जरूरत है जिससे हमें सुख मिले, और एक है हमारी इच्छा जिससे हमें सुख मिले। अब ये इच्छा और जरूरत, आज इसी चीज को हम समझेंगे कि सुख में हम इसको ज्योतिष शास्त्र में कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले दर्शकों देखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी मन है, अब मन को मिला क्या कि जिससे सुख मिले? अब मन को मिला, सबसे बड़ी बात यहां पर देव गुरु जुपिटर एग्जॉल्ट करते हैं, यानी कि अपने उच्चतम अवस्था में जाते हैं। किसी भी भाव में जो एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रांगली मिलेगी, वो कहीं ना कहीं वो लॉजिक होता है कि भाई उसके बिना वो चीज नहीं मिल सकती, क्योंकि ये मन की इच्छा नहीं है, ये मन को मिला है। यानी मन को एग्जॉल्टेड जुपिटर वहां पर मिल गया। मगर जब हम ये देखते हैं कि मन कहां एग्जॉल्ट हुआ, दर्शकों मन एग्जॉल्ट हुआ टॉरस वृषभ राशि में। अब आप वो देखिए, वो सेकंड हाउस के साथ रिलेट करती है जिसके स्वामी वीनस यानी के शुक्राचार्य है। यानी कि मन की इच्छा है कि मैं शुक्र में जाकर एग्जॉल्ट करूं, मगर मन को मिलता कौन है? मिलता है जुपिटर देवगुरु ज्ञान। सो सुख कहीं ना कहीं हमें ज्ञान से मिलेगा, मगर मन चाहेगा कि सुख हमें शुक्र की वो सुख सुविधाएं, वो प्लेजर्स, वो चाहे बॉडी के हैं, चाहे मेटीरियल चीजों के हैं, चाहे हमारे आंतरिक सुख के भी हैं। अब वो जो प्लेजर्स हैं वो शुक्र से, मन
शुक्र के प्लेजर्स चाहता है। अब ये तो दर्शकों सुपरफिशियल बात हुई, मन चाहता है शुक्र, मन को मिलता है देवगुरु जुपिटर। अब आम दर्शक के हिसाब से या नॉर्मल आदमी के हिसाब से जब हम सोचें तो हमें करना क्या है? क्या हम जुपिटर के पास जाएं, जुपिटर के काम करें, ज्ञान अर्जित करें, उसी से सिर्फ सुख मिलेगा, या हम शुक्र का, मेटीरियलिज्म का, सुख सुविधाओं का, प्लेजर्स का रास्ता पकड़ें, हमें सुख वहां से मिलेगा? अब दर्शकों ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट को हम ज्योतिष शास्त्र में अंदर जाकर समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वीडियो मैं आपको फिलॉसफी के माध्यम से भी समझा सकता हूं, मगर क्योंकि एस्ट्रो इंटेलिजेंस में मैं जो भी बात करता हूं उसको एस्ट्रोलॉजी के रेफरेंस से ही मैं बात करता हूं। तो ये तो थी दर्शकों सुपरफिशियल कॉन्फ्लिक्ट कि हमें सुख कहां से मिलेगा। अब थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं, और यहां पर देखिए कि यहां बड़ी मजेदार चीजें आपको मिलने वाली हैं। अब मन के अंदर जुपिटर एग्जॉल्ट कर रहा है, सो दर्शकों इतना तो आप समझ गए कि मन को सुख के लिए मिलता है जुपिटर, मगर मन चाहता है शुक्र। ये है सुपरफिशियल बात। मगर अब थोड़ा सा इसी सब्जेक्ट को और ज्यादा डीप डाउन जाकर समझेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। अब सबसे पहले दर्शकों ये देखते हैं कि मन चाहता है शुक्र के पास जाना, और वहां जाकर वो एग्जॉल्ट हो रहा है। मन कहां एग्जॉल्ट हो रहा है, कौन से नक्षत्र में एग्जॉल्ट हो रहा है, और कौन से नक्षत्र के पद में एग्जॉल्ट हो रहा है दर्शकों, इस चीज को समझेंगे तो हमें अंदर की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मन की एग्जॉल्टेशन को लेते हैं। दर्शकों आप जानते हो कि मन की एग्जॉल्टेशन टॉरस राशि में होती है, यानी चंद्रमा की एग्जॉल्टेशन टॉरस राशि में होती है। होती कितनी है? 3 डिग्री पर। अब 3 डिग्री कहाँ आती है? ये कृतिका नक्षत्र में। अब कृतिका नक्षत्र किसका है? ये तो दर्शकों सूर्य का है, मगर कौन से पद में आती है? तो दर्शकों ये कृतिका नक्षत्र का दूसरा पद हो जाता है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र का एक पद पहली राशि यानी के मेष में चला जाता है, दूसरा पद टॉरस राशि में आता है। और इसके देवता कौन है दर्शकों? मजे वाली चीज है, इसके देवता है शनि। सो चंद्रमा को एग्जॉल्ट करने के लिए कौन कौन सी एनर्जी चाहिए? बाहर के लेवल पर शुक्र की एनर्जी, अंदर के लेवल पर सूर्य की एनर्जी, और बिल्कुल अंदर जाकर अगर हम बात करेंगे तो शनि की एनर्जी, यानी के शुक्र शनि और सूर्य। ये है मन की एग्जॉल्टेशन का एनर्जी सीक्वेंस, या एनर्जी को हम मतलब अगर डिवाइड करते हैं तो कौन कौन सी एनर्जी चंद्रमा को या आपके मन को एग्जॉल्ट कर सकती है, तो ये है। अब ये समझे, मन को मिला है जुपिटर। अब जुपिटर एग्जॉल्ट कहां कर रहा है? जुपिटर दर्श को एग्जॉल्ट कर रहा है मन के लॉर्डशिप में, 4th हाउस में, कैंसर राशि में। किस नक्षत्र में कर रहा है? पुष्य नक्षत्र में कर रहा है। कितने डिग्री पर कर रहा है? 5 डिग्री पर कर रहा है। अब पुष्य नक्षत्र किसका है दर्शकों? शनि का है। और यहां पर पद लॉर्ड दर्शकों, बहुत खूबसूरत बात है, यहां पद लॉर्ड आपको मिलते हैं शनि देवता दोबारा से, चंद्रमा सूर्य और शनि। अब थोड़ा सा आप शुक्र को भी समझ लो, क्योंकि मन शुक्र के लॉर्डशिप में एग्जॉल्ट कर रहा है, तो शुक्र कहां एग्जॉल्ट करता है दर्शकों? शुक्र एग्जॉल्ट कर रहा है 12th हाउस मीन राशि में, रेवती नक्षत्र में, जो कि बुध देवता की लॉर्डशिप है। मीन राशि या 12th हाउस की लॉर्डशिप किसके पास है? वो है जुपिटर के पास। मगर यहां पर पद लॉर्ड कौन है दर्शकों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पद लॉर्ड है दोबारा से जुपिटर।
सो वीनस को एग्जॉल्ट करने के लिए भी जुपिटर चाहिए। वीनस की एग्जॉल्टेशन, जुपिटर बुध जुपिटर। सो कहीं ना कहीं वीनस के अंदर भी वो जुपिटर वो ज्ञान पड़ा है, तभी चाहे हम बात शुक्र की कर ले और चाहे बात हम कर ले देवगुरु बृहस्पति की, दोनों गुरु हैं। मन जाता है शुक्र की तरफ, मन को मिलता है जुपिटर, मगर शुक्र कहां एग्जॉल्ट कर रहा है, वो भी जुपिटर के सानिध्य में। सो इन ए वे अब ये एक ऐसा ट्रायंगल बन जाता है जो हमारे सुख को देने में सहायी है। अब दर्शकों थोड़ा सा इसी चीज को, इसी सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा ब्रॉडर एंगल पे समझने का प्रयास करते हैं। हमें अगर सुख चाहिए तो सुख किसको चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहला हमारे पास जो हमारा दोस्त या हमारी एक मशीन है जो हमें मिली है, वो है हमारा शरीर, ये बॉडी, फिजिकल बॉडी। अब फिजिकल बॉडी ये कैसे बढ़िया रहेगी? इसको रखने के लिए, अब बॉडी तो मेटीरियलिस्टिक है, अब इसको कैसे हमें मेंटेन करना है, कैसे हमें इसे न्यूट्रिशन देनी है, कैसे इसको पोषित करना है, तो वो हम करते हैं पोषण के द्वारा, उस मेटीरियलिस्टिक पोषण के द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा। अब न्यूट्रिशन हमारी कैसी होनी चाहिए? अब आप देखिए जुपिटर को पढ़िए, पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र किसका है? पोषण का ही तो है, न्यूट्रिशन का ही तो है। मगर हमारा शरीर बढ़िया कैसे बनेगा? हमें कितना खाना है, कैसा खाना है, अच्छा खाना है, ज्यादा खाना है, कम खाना है, अब इस सब का अब आप एक सीक्वेंस या सिस्टम समझ लीजिए कि क्या सिस्टम है। सानिध्य मतलब जुपिटर एग्जॉल्ट कर रहा है, बाहर से ये जुपिटर है। अब जुपिटर को जब मैं बात करता होता हूं कि जुपिटर आपके ज्ञान के देवता है, मगर उनके पास ज्ञान कौन सा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान, जो क्रिएशन की कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी चीज जब क्रिएट होती है, निर्मित होती है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की पूरी कंप्लीट नॉलेज बुक, वो ज्ञान कोश जुपिटर के पास है। अब वो पोषण का ज्ञान, अब पोषण के ज्ञान के अंदर आप देख लीजिए क्या आएगा, शनि आ गया। अब शनि ने क्या किया, आपको कितना खाना है, डिसिप्लिन से खाना है, पूरा अनुशासन चाहिए खाने के अंदर, स्ट्रक्चर्ड ऑर्डरली तरीके से खाना है, कितना खाना है, ये अब समझ जुपिटर दे रहा है, मगर किसके माध्यम से दे रहा है, शनि के माध्यम से। यानी हमारा पोषण भी हमारा ऐसा कर्म होना चाहिए जो राइटियसनेस के प्रव्यू में हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो। यानी कि सीधी बात है, हमारे शरीर का एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन आयुर्वेद को अगर हम साथ में मिला लेते हैं तो यहाँ पर वात पित्त कफ आ जाता है, यानी कि आपको इन तीनों का बैलेंस बनाना है। अगर हम मेडिकल नॉलेज को बीच में डालते हैं, कितना विटामिंस चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, कितने एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, यानी कि जो केमिकल्स की बात आ जाती है, तो आपको कितने चाहिए, अब हर चीज डिसिप्लिन से मगर रेगुलरिटी से होनी चाहिए। यम नियम ये शनि के आयाम हैं, तो यम नियम रेगुलरिटी भी चाहिए, लॉज भी चाहिए, स्ट्रक्चर भी चाहिए और ऑर्डरली स्ट्रक्चर चाहिए। अगर हम उस तरीके से अपना पोषण करेंगे तो शरीर को मिलेगा क्या, ये दर्शकों खूबसूरत बात है। शरीर को क्या मिलता है? हम कहते हैं कि अगर हम अच्छा खाते हैं और हमारा मन खुश है तो हमारे चेहरे से तेज फूटता है। आयुर्वेद में इसे तेजस बोल दिया जाता है, मगर ज्योतिष शास्त्र में आप देखिए ऋषियों ने क्लियरली आपको बताया कि आप शनि के माध्यम से, पुष्य नक्षत्र के थ्रू अगर आप शरीर का पोषण कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है, सूर्य। सूर्य क्या है? प्रकाश, तेज, इसको शास्त्रों में तेजस बोल दिया। आपके शरीर के अंदर जो तेज पैदा होता है, आपके चेहरे पर जो ग्लो होती है, और ग्लो ही आपका लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस है। ये तेजस को पैदा करने के लिए हमें पुष्य नक्षत्र के शनि देवता के पास जाना पड़ेगा और उसके कोड्स, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ज्ञान
जुपिटर के पास है। सो ये मन को मिल जाता है, मगर अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे तो ज्यादा खा लेंगे तो प्रॉब्लम, कम खाएंगे अंडर न्यूट्रिशन, गलत खा लेंगे, ज्यादा स्पाइसी खा लेंगे, ज्यादा मतलब यानी कि टॉक्सिक फूड खा लेंगे, तो उससे प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। सो ये ज्ञान अगर आपको मिलेगा तो शारीरिक सुख तो आपको यहां से उस तेज के रूप में आपको मिलेगा, मगर मन भागता है शुक्र की तरफ। जब मन शुक्र की तरफ भागता है, यहां पर भी देखिए दर्शकों, ऋषियों ने बहुत खूबसूरत तरीके से चीजों को समझा दिया। बाहर से नक्षत्र सूर्य का, कृतिका शुक्र सूर्य, अंदर पद लॉर्ड, दोबारा से फिर शनि। आप बाहर मेटीरियलिस्टिक चीजें जितनी मर्जी एक्वायर कर लो, मन जितना मर्जी बाहर की तरफ भाग ले, खूब चीजें इकट्ठी करो, खूब धन अर्जित करो, खूब सुख सुविधाएं पैदा करो, किसी चीज को ऋषियों ने रोका नहीं है, किसी को उन्होंने बुरा नहीं कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल पूरा करो, जितना आप धन अर्जित कर सकते हो करो, धन के साथ पूरी सुख सुविधाएं पैदा करो, किसी चीज को छोड़ो नहीं, किसी चीज से भागो नहीं, और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, मगर रिजल्ट यह होना चाहिए कि वो आपके जीवन में उस तेजस को दे दे, उस सूर्य को दे दे, उस तेज को दे दे, उस प्रकाश को दे दे। और वो चाहे वो तेज आपको बाहरी चीजों के मिलने से, मन के खुश होने से मिल रहा है, या आपके शरीर के अच्छे तरीके से पोषित होने से मिल रहा है। सो दर्शकों, अल्टीमेट बात यह है कि ऋषियों का थॉट प्रोसेस ये था कि भाई आपको तेजस के पीछे जाना है। अब यही थॉट प्रोसेस मैं आपको एक और दूसरे तरीके से लॉजिकली बता सकता हूं। जो लोग नक्षत्र सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो नक्षत्र सिस्टम में दर्शकों नक्षत्र कहां से शुरू होते हैं? सबसे पहला नक्षत्र केतु का है, केतु के बाद नक्षत्र किसका आता है? शुक्र का आता है। शुक्र के बाद नक्षत्र किसका आएगा? सूर्य का आएगा, और सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा। ये सीक्वेंस है दर्शकों। चंद्रमा की लीनियज देखिए अब क्या है, चंद्रमा क्या लेकर आया है। चंद्रमा की लीनियज के अंदर सबसे पहले सूर्य, सूर्य से पीछे शुक्र, और शुक्र के पीछे जुपिटर, केतु, और केतु जुपिटर का ही दूसरा नाम है हम कह सकते हैं, क्योंकि जुपिटर के अंदर वो ही सारी चीजें हैं जो केतु के पास है। केतु को हम गणपति से भी ले लेते हैं और जुपिटर से, ये एक ही बात है। क्योंकि अगर आप समझोगे तो ये एक्चुअल में उस नॉलेज की ही बात हो रही है कि जो हम पास्ट से लेकर आते हैं, जिसमें वो क्रिएशन के कोड्स पड़े हैं। तो मन के सुख के लिए, मन की लीनियज में, यानी आप पीछे से मन हमारा क्या लेकर आया है, तो भाई आत्मा का प्रकाश है। आत्मा के प्रकाश की लीनियज शुक्र के पास है, यानी कि हर इंसान को परमात्मा की तरफ से पूरी सुख सुविधाएं उसके सॉफ्टवेयर के अंदर डालकर भेजा जाता है, और साथ में उस जुपिटर का ज्ञान, वो नॉलेज डालकर हमें इस दुनिया में भेजा जाता है। मगर अब उस ज्ञान को लेना किसको है, वो तो हमें लेना है। सो अल्टीमेट बात क्या है कि हमारे जीवन के हर कर्म से, चाहे वो बाहरी दुनिया का है और चाहे वो आंतरिक दुनिया का है, बाहरी दुनिया से आप देखिए हमारा शरीर पोषित हो गया, हमारा मन खुश हो गया, वो भी आपको तेजस दे रहा है। कैसे दे रहा है तेजस, अब इसको थोड़ा सा समझ लो। शरीर बढ़िया हेल्दी, मन खुश यानी मन भी हेल्दी, अब दोनों हेल्दी, अब वो आपके शरीर के अंदर काम कैसे करते हैं? जब मन हेल्दी है दर्शकों, तो आपके पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें डोपामिन्स यानी डीएमटी, मेलाटोनिन्स, सेरोटोनिन्स, ये रिलीज होते हैं आपके, और इससे आपके शरीर के मतलब यानी चेहरे पर तेज आ जाता है। मगर जब इन्हीं चीजों का अभाव हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या पैदा हो जाते हैं? कॉर्टिसोल्स आ जाते हैं, यानी नेगेटिव हॉर्मोन्स, हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स की सिक्रीशंस आ जाती हैं, जहां से क्या होगा, आपके शरीर के अंदर दुख, यानी के सुख के लिए आपको चाहे पोषण सही हो, चाहे मन का पोषण सही हो, ये दोनों चीजें जब तक इकट्ठी नहीं होंगी दर्शकों, तब तक आप नहीं कह सकते कि मैं पूरे रूप से सुखी हूं।
सो पूरे रूप से सुखी होने के लिए आपको ये रास्ता पकड़ना ही है। सो ये था दर्शकों मेरा आपको समझाने का, कि मैं आपको ये बताऊं कि हम ऋषियों के थॉट प्रोसेस को समझकर अपने जीवन में सुख को कैसे ला सकते हैं। और जब ये सुख आएगा तो ये दिखेगा, पूरी दुनिया को समझ आएगा कि फला आदमी सुखी है। तभी तो ऋषियों के जो चेहरे पर आभा मंडल होता था, हम कहते थे उनके पीछे भी एक आभा मंडल है। अब ये आभा मंडल क्या है? आज की भाषा में हम इस कह देते ऑरा। ये ऑरा बेसिकली दर्शकों कुछ नहीं है, ये आपके अंदर के वो सुख का एक्सप्रेशन है, यानी कि आपका सुख आपके चेहरे से आपके शरीर से बाहर की तरफ एक्सप्रेस हो रहा है। जब ये नेगेटिव हो जाता है तो वो ही ब्लैकिश चीजें आपके चेहरे पर आनी शुरू हो जाती हैं। तो दर्शकों देखिए ऋषियों का थॉट प्रोसेस कितना बढ़िया था, कितना लॉजिकल था, मगर ऑथेंटिक है। हमें भटकने की जरूरत नहीं। मैं आपको फिलॉसफी से भी समझा सकता था, मगर मैंने पिन पॉइंट करके आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि हम ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष शास्त्र को समझते हैं, सो हमें रहना इसी शास्त्र में। और इसी शास्त्र को मैं क्यों कहता हूं, ये बहुत लॉजिकल, साइंटिफिक और कंप्लीट नॉलेज देता है, बस सिर्फ उन लॉजिक्स को समझने की बात है। सो दर्शकों अपने सुख देने वाली चीजों को समझिए। हर चार्ट में आप देखिए मन और शुक्र का रिलेशन और मन और जुपिटर का रिलेशन आपके चार्ट में वो कैसे बन रहा है, क्योंकि सबका चार्ट एक डिफरेंट राशि के साथ होता है। अब उस राशि को आपको इसके साथ मिलाना है और अपने लाइफ के लिए रास्ता आगे के लिए खोज लेना है, ताकि आपको सुख मिले, तेज मिले, तेजस मिले, आपका शरीर हेल्दी हो, आपका मन हेल्दी हो और आप खुशी से अपने जीवन के निर्धारित कार्य करते जाएं, आराम से करते जाएं और अपने रिजल्ट्स को पूरे भरपूर मात्रा में जिए, ले लें उनको। सो दर्शकों ये था मेरा छोटा सा प्रयास जिसके माध्यम से मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की। बाकी दर्शकों एक निवेदन हर वीडियो में मैं आपसे करता हूँ, वो इस वीडियो में भी करूँगा, कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस मेरा नहीं, ये आप सबका चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके घर घर तक पहुँचाइए, ताकि वैदिक नॉलेज, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज और इसका प्रकाश घर घर तक पहुँचे, लोग अपने जीवन को समझें और उस जीवन को समझ कर उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बाकी जो दर्शक मुझसे अपनी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881-64480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों वीडियो के एंड में, क्योंकि आज पवित्र अष्टमी है, आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।